मे बी कुछ इन्हों कुछ ओके बच्चा भी ले फिरदा ऑफ रोड क्या बात है मे बी अच्छा प्रॉपर उदा दी ऑफ रोड पूरी बनाई हुई हैं ऑफ रोड विली टाइप पाकिस्तान पंजाब दे एक एरिया दे जिते सिंधु घाटी सभ्यता दे कुछ खंडर मिले है उत्थे एक रेगिस्तान है जिन्हों चोलिस्तान कहा जाता है उस चोलिस्तान दे रेगिस्तान दे विच कुछ रैलीज होंगे लाइक जीप रैली वगैरह है ना कुछ इदां दीआं चीज़ां उत्थे जिहड़े परफॉर्म कीतीआं जांदीआं जिहदे ऑफ रोड आपां कह सकदे हां मे बी उन्हों ना सो उहदे विच यंगेस्ट कुछ गर्ल्स है उन्होंने पार्टीसपेंट किया आई डोंट नो कि फस्ट टाइम होया जां किदां बट ये वीडियो कहिंदे बहुत वायरल हो रही है एंड काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे थे उस वीडियो नूं सो तुहाडे नाल उह वीडियो नूं देखांगे कि उस चोलिस्तान दे रेगिस्तान दे विच किदां दी इह जिहड़ी चीप रैली हुई है एंड उहदे विच की कुछ होया सो लैट्स गैट स्टार्टड बट वीडियो नूं लाइक करियो कमेंट करियो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो नवें तुहानूं मैं कंटेंट भर भर के मिलूगा सो डू सबसक्राइब ओए इह तां फिरोज खान नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद फिरोज खान सी ना अच्छा नादिर मगसी एंड फिरोज खान ओके तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं तो सबको यही कहूंगी कि हर साल हर जो भी आता है उसे सपोर्ट जरूर करें और हर साल एंजॉय करें हर फीमेल को भी आना चाहिए जरूरी नहीं है मेल आए लेकिन फीमेल को भी आना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद ओके ओके नादिर मक्सी कौन मैनू नहीं पता बट फिरोज खान नु दा मैं जानदा मैनू नहीं हो जानते बट मैं उन्होंने जानता ट्रैक काफ़ी टफ है और ब्रिपेड की रेस के बाद तो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो चुका है तो कोशिश हमारी यही है कि हम बाकी रेसेस को भी टफ टाइम दें बाकी अल्लाह खैर करे अच्छा रेसिंग होएगी प्रॉपर है जी इंशाल्लाह अभी ये तो ये फर्स्ट टाइम है तो कोशिश तो यही है कि हम अभी भी टफ टाइम दें बाकी रेसेस को लेकिन इंशाल्लाह आगे के लिए हम और बेहतर जो है प्रैक्टिस अच्छा की बताना अपन रेस भी दिखाओ देखते हैं की है अच्छा ऑफ रोड ही है भाई ठीक है काम अच्छा ड्राइव भी खुद कर रहे हैं ठीक है ये मतलब कुछ शायद पाकिस्तानी कुछ सेलिब्रिटीज भी इस चीज़ नू मतलब ज्वाइन कर दे है आई गेस थोड़ा चेंज तो हुआ होगा अगर बस देखते हैं अल्लाह मालिक है भाई ट्रैक टफ है टफ तो नहीं है मतलब खुद ज्यादा गया है तो हमें जरा सेंसिबली रेस करना पड़ेगा अच्छा अच्छा देखो कले यंग नहीं है लोग होते मतलब मिडिल एज भी लोग होते जड़ी इस चीज़ नू फॉलो कर रहे हैं क्या बात है अच्छा नादिर मक्सी ए नहीं जा वो कुड़ी सी आई डोंट नो यार सीरियसली सॉरी गाइस प्लीज बट मैंने नहीं पता क्योंकि दस मिनट के बाद स्टार्ट हो रहा है अभी अच्छा देखो प्रॉपर इंतजाम किए हुए अंदर फॉर्म लगाई हुई है कि जेकर बाई चांस कुछ इदा का एक्सीडेंट होंगे तो चक्कर नहीं पैदा कोई मैं पीछे हो जाती हूँ फैसल को जाने दे बाउंड्री वॉल के पास नहीं आना दूर से नजारा कीजिए भरपूर नजारा कीजिए यार रेस दिखाओ यार मेरा हुन सच्ची मन करने लगा कि रेस देखिए अच्छा 4x4 च क्या बात है मजा आएगा ये रेसिंग है या प्रॉप एक किदा मतलब की चक्कर है टीडीसीपी चोलिस्तान रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हूं और इस बार ट्रैक जो है वो काफी मुश्किल है क्योंकि हमें स्टॉक कैटेगरी के साथ फुल ट्रैक दिया गया है वैसे तो वुमेन कैटेगरी को हाफ ट्रैक दिया जाता है अच्छा कोशिश करूंगी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊं 6 दिन से हम लोग यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लेट्स सी थैंक यू मैं गाड़ी के साथ मैं चलूं पीछे चला जाऊं अच्छा एक तरह की रेस नहीं है एक तरह की रैली है भी किहड़ा एंड तक सरवाइव करेगा मे बी कुछ मैराथन टाइप होंदा कि जिहड़ा एंड तक खड़िया रहूगा डटिया रहूगा राह औखा होंदा होगा ये मे बी अच्छा प्रॉपर उदा दियाँ ऑफ रोड पूरी बनाई हुई हैं ऑफ रोड विली टाइप ये 4x4 गई एक होर अच्छा ये फिर इदा तो कोई नहीं कि पहला जा रहा है लास्ट जा रहा है मे बी कुछ इन्हों कुछ टारगेट्स दिते जाते होने कि वो सारे अचीव करन ते वो बंदा जीतूगा जिन्होंने फाइनल डे है जी चोलिस्तान का इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज अच्छा परफॉर्म करें ओके पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है तो अच्छा हर रेसर की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पार्टिसिपेट करे
और अच्छी परफॉर्मेंस दे अपने मुल्क के इमेज को और अपने मुल्क के इन सहराओं को हम पूरी दुनिया को दिखा सकें। क्या बात है, कॉल हो गया सर, प्लीज थैंक यू। मुकाबला सख्त है और ट्रैक छोटा है क्योंकि पीर साहब से मेरा 4 मिनट का फर्क है, तो कोशिश करेंगे अल्लाह के हाथ में, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस ट्रैक छोटा है, सब खैर अमान से वापस है। सर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो बैठ गया था उसका क्या हुआ? ठीक कराया है अभी ठीक करा है। ट्रैक के बारे में आज क्या कहेंगे? बहुत तकड़ा ट्रैक है, टेक्निकल ट्रैक है ये, एंड में इंशाल्लाह। ओके जी, आज क्या समझते हैं कि आप जीत लेंगे? अल्लाह पे रखा हुआ, कोशिश तो करेंगे, सब कोशिश करते हैं यहाँ पे जीतने के लिए, जो अल्लाह को मंजूर वही होगा। सर ऐसे टूरिज्म आई थिंक इट्स अ गुड मोमेंट यार, मजा आंदा होएगा। कैसे देख रहे हैं ट्रैक को, क्या जाए मैच? जाएं अच्छे हैं जी, बाकी ट्रैक डेली चेंज होता है, ट्रैक ये जितना इस पे गाड़ी रन करती है उतना ट्रैक चेंज हो जाता है, तो हमने रैकी तो की है, मार्किंग भी की है, बाकी देखिए अल्लाह की तरफ से ना हो गुड लक। अच्छा मतलब ट्रैक ये खुद क्रिएट कर देंगे, जो कह रहे कि मैं मार्किंग भी की हुई है। और पहली गाड़ी जो है 5001 अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई, और नेक्स्ट गाड़ी जो है सैयद आसिफ इमाम फिरोज खान जी। ट्रैक काफी ऑब्वियसली काफी ज्यादा लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैक जो है वो रेकीज करने के बाद थोड़ा रफ हो चुका है, बट वी स्टिल होपिंग टू इंशाल्लाह विन द ट्रैक। अच्छा मतलब कोई भी रेसर जेड़ा कोई फ्रीलांसर है, कोई भी बंदा मतलब अप्लाई कर सकता है, रेसिंग कर सकता है, मे बी आई डोंट नो, बट बाकी मैं क्या मैं ही गल कर लें, इन्हें समझ नहीं आ रही की कह रहे हैं। सुल्तान बहादुर अजीज बी प्लस, अच्छा बी प्लस इन्होंने ब्लड ग्रुप लिखा है, बी पॉजिटिव, मतलब जे बाय चांस कुछ होता तो पता, मे बी शायद मैं जस्ट गैस कर रहा, बट आई थिंक फिरोज खान काफ़ी टाइम तो शायद ये चीज़ कर रहे हैं यार, क्योंकि पूरा प्रोफेशनल ही लग रहा है, उन्हें गड्डी के नाम लिखे है एंड ऑल दैट। अच्छा बाइक भी, और बच्चा भी ले फिर ऑफ रोड, क्या बात है, बाइक्स भी, क्या बात है, नाइस यार। नाइस गुड गुड। मुश्किल है चौरी संघा ट्रैक, बाइक के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? सर बाइक के लिए ये एक मतलब वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल टीडीसी का स्पेशल थैंक्स है कि उन्होंने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, बजाय के रोड्स पर स्किल्स दिखाने के, हमें प्रॉपर एक उन्होंने ट्रैक दिया है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ट्रैक है, लेंथी है, 27 किलोमीटर हाइट में लेंथ है, लास्ट वन जो था वो 12 किलोमीटर था। मेरी सेकंड पार्टिसिपेशन है, टीम हरुनाबाद से हूँ, मोहसिन खालिद मेरा नाम है, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट, अच्छा खेलेंगे। 47 किलोमीटर लेंथ को चेज करेंगे, मोहसिन खालिद इनका नाम है, और जीपों के बाद डर्ट बाइक्स हैं उनके भी मुकाबले यहां पर शुरू हो चुके हैं। 27 किलोमीटर का ट्रैक है, 15 बाइकर्स हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जीप रैली के सुल्तान के साथ साथ बाइक्स का सुल्तान चोलिस्तान का कौन बनेगा। अच्छा बाइक इकट्ठे जान के जा रहे हैं, सही है। ओके वाओ, एक अद्धा होर पार्ट आएगा जेकर तुसीं कहोगे तो मैं भी बना दूंगा। सो कैंट मतलब कि एक तो बाइक की रैली है, एक जीप की है, जेडे जीप वाले है मतलब, अच्छा मेरे कह मतलब कि हूँ मैं शायद समझ लग गई पूरी ये रैली, क्योंकि मैं ज़्यादा पता नहीं सी ये बारे, मतलब ये एक तरह की ज़्यादा लेंथी रूट है, वो इन्होंने जिते जिते कुछ हर्डल्स रखे होंगे तो वो इन्होंने जो पूरे करने होंगे, जोड़े बंदे पूरे करते हुए एंड तक मतलब फाइनल पॉइंट तक पहुँच जाएंगे वो बंदा जेतू रहूगा।
नहीं तो बाकी जो नॉकआउट होंगे रहने नाल नाल वो पता लगता रहेगा। सो ये चीज़ है, मतलब ये रेसिंग टाइप भी है भी किड़ा पहला जाता, बट वो कुछ हर्डल्स दते हो, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे टारगेट्स होना अचीव करना होगा की पॉइंट, मतलब की प्रॉब्लम्स इन्होंने दती हैं रस्ते, जिदा ट्रैक उदा का होएगा, टेढ़ा मेढा होएगा, जो कुछ होगा जिम्मे ऑल दैट। आप काफ़ी सारे शोज़ देखते होंगे जिदा रोडीज आता, वेद इदा के छोटे छोटे मिशन दते जाते हैं कि उन्होंने पूरे करना है ना, कुछ उदा का समथिंग लाइक दैट होएगा। बट आई थिंक इट्स अ गुड गुड टू गो, तुम जाके उत्ते वेख भी सकते हो यार, तुहाडे उधर है, तुसीं इंजॉय करो। असी तो इधरों आ नहीं सकते, असी सिर्फ ऑनलाइन वीडियोज़ देख सकते हैं। सो सही सीगा, मज़ा आया मैंने वीडियो देख के, कुछ नवं देखा, कुछ नव अपनी ऑडियंस के लिए लैके आई सी, अज खुद मेरे लिए भी नवं सी, मैं भी खुद देखा, मैनू भी वधिया लगा। एंड इदा वीडियोज़ आप होर देख सकते हैं। एंड जिदा कि वह कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान का सब तो वड्डा रेसिंग पॉइंट है, ठीक है, चौलिस्तान का, क्योंकि चौलिस्तान के रेगिस्तान का एरिया बहुत ज़्यादा, तो उत्थे मतलब कहिंदे ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। एंड सब तो वड्डा ट्रैक है पूरी पूरे पाकिस्तान के, सब तो वड्डा ट्रैक कहिंदे ये, सब तो वड्डा इंपॉर्टेंट एंड सब तो फेमस। सो उत्थे जाके तुसीं इंजॉय कर सकते, नहीं तो वीडियोज़ देख सकते हैं। अपनी वीडियो देखो, होर वीडियोज़ देखने लिए अपने चैनल सबसक्राइब करो, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, जाके चैनल खोल के तुसीं देख सकते हैं, जिहड़ी पसंद आती है देख लो, जिहड़ी नहीं पसंद आती डिसलाइक कर दो, कोई चक्कर नहीं, जो नहीं पसंद आती डिसलाइक करो, सूँ पता लगेगा यार तुम चीज़ नहीं पसंद आई, कमेंट भी करके सूँ दस सकते हैं कि भाई सूँ आज थोड़ी वधिया नहीं लगी, ठीक है। तो बस यही है, सबसक्राइब करो, मिलते हैं किसी और वीडियो, सत श्री अकाल।